2024 में नए अपडेट के बाद आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं परमानेंटली, यही चीज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। क्योंकि जो पहले ऑप्शन आता था हेल्प सेंटर में जाके जिससे हम अकाउंट डिलीट करते थे, वो ऑप्शन इंस्टाग्राम ने हमेशा के लिए हटा दिया है। अब नए मेथड से इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं, यही चीज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हो, रीजन कमेंट करके बता देना। इससे पहले वाली वीडियो में आपने मस्त मस्त रीजन दिए थे, जैसे कई लोग बोल रहे भाई बंदी छोड़ गई इसलिए डिलीट कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई बंदी ब्लॉक कर गई इसलिए डिलीट कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं दुनिया से विश्वास उड़ गया इसलिए इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर रहे हैं। तो ऐसे मस्त मस्त कमेंट आते हैं तो मजा आता है पढ़ने में, इसलिए कमेंट जरूर करना। इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना और भी ज्यादा आसान हो गया है नए अपडेट के बाद, क्योंकि जो पहले ऑप्शन आया करते थे ना हेल्प सेंटर में जाओ डिलीट ढूंढो, बहुत लफड़ा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा आसान हो गया। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहना। तो हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम को इस तरीके से ओपन कर लेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे यहां से प्रोफाइल वाले सेक्शन में। अब प्रोफाइल वाले सेक्शन में आने के बाद अगर आपका मेन्यू बार यहां पे लोडिंग नहीं होता है तो उसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि एक ये ग्लिच चल रहा है जिस वजह से मेन्यू बार लोडिंग नहीं होता है कभी कभी। तो उसके लिए हमें होम पेज पे आना एक बार और अगेन प्रोफाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, तो हमारा मेन्यू बार यहां पे लोडिंग हो जाएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, मेन्यू बार पे क्लिक कर देना होगा। मेन्यू बार पे क्लिक करने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी पे हमें क्लिक करना होगा, तो हम सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पे। अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने इंस्टाग्राम ऐप को बहुत टाइम से अपडेट नहीं किया है। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो प्ले स्टोर में जाके अपनी इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर लेना, ठीक है। तो जस्ट इस वाले ऑप्शन पे हम टैप करेंगे, एंड अभी इस पे ग्लिच चल रहा है इस वाले ऑप्शन पे भी कि एक बार में टैप ही नहीं हो रहा, दो तीन बार टैप करो तब यहाँ पे टैप हो रहा है, ठीक है। अगर एक बार में टैप नहीं होता तो यहाँ पे ट्राई कर लो, यहाँ पे ट्राई कर लो, कहीं पे भी दो तीन बार टैप करोगे ना तो क्लिक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बग वग चल रहा है, बट कोई नहीं, थोड़े टाइम में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एक दो तीन बार में, और यहाँ पे क्लिक हो जाना चाहिए, क्लिक हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा पर्सनल डिटेल्स में, ठीक है। और मैं आपसे एक चीज कहना भूल गया, जो आप भी भूल गए हैं, वीडियो को लाइक करना। मैं आपको जब तक वीडियो को लाइक करने को नहीं कहता हूँ आप लोग भूल जाते हैं, एंड लिटरली मुझे लाइक करने से पैसा नहीं मिलता है, बस ये अच्छा लगता है कि लाइक्स आ रहे हैं तो और वीडियोस बनानी चाहिए, यानी हमें मोटिवेशन मिलता है लाइक से, इसलिए लाइक जरूर कर देना। तो हम लोग क्लिक कर लेते हैं पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे। उसके बाद हमें क्लिक करना होगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल वाले ऑप्शन पे, तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब इस पे क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना होगा डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन वाले ऑप्शन पे, जो यहाँ पे हमें शो कर रहा है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। हो सकता है यहाँ पर आपको मल्टीपल इंस्टाग्राम आईडी शो कर रही हो जो आपने लॉगिन कर रखी हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी फेसबुक आईडी भी यहाँ पर शो कर रही हो, क्योंकि अब हम अकाउंट सेंटर के थ्रू फेसबुक आईडी को भी यहीं से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद से उस आईडी को सिलेक्ट करना है जिसको आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरी तो एक ही आईडी शो कर रही है, तो हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस पर सिलेक्ट करने के बाद दो ऑप्शन आ जाते हैं, पहला है डीएक्टिवेट अकाउंट और दूसरा है डिलीट अकाउंट, और मोस्टली लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट डोंट वरी, मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ डीएक्टिवेट और डिलीट में। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि डीएक्टिवेट योर अकाउंट इज टेम्पररी, यानी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्पररी, यानी कुछ दिनों के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन यहाँ पे साफ कह रहा है डिलीट योर अकाउंट इज परमानेंट, यानी कि हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, यानी हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली, तो आपको सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब सेकेंड ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद हमें क्लिक करना होगा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे, तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें इंस्टाग्राम को रीजन बताना होगा कि हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे समथिंग एल्स, क्योंकि हम कोई और रीजन सिलेक्ट करेंगे तो फालतू वो और ऑप्शन दे देगा, लेकिन जब हम समथिंग एल्स सिलेक्ट करते हैं ये हमें एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं समथिंग एल्स पे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर
करना चाहते हैं तो आप अपना यहाँ पे करंट पासवर्ड इंटर कर दो। लेकिन मुझे पता है आप में से 99% लोगों को, 99% लोगों में मैं भी आता हूँ, मुझे मेरा करंट पासवर्ड याद नहीं होता है। और अगर आपको भी मेरी तरह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का करंट पासवर्ड याद नहीं है तो मैंने कल ही एक वीडियो बनाई है कि इंस्टाग्राम का पासवर्ड कैसे पता करते हैं। और उसी वीडियो में मैंने बताया कि अगर आपको अपने इंस्टाग्राम का ओल्ड पासवर्ड नहीं पता है तो आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, वो वीडियो का लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन यानी वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो पूरी देखना। तो यहां पे मैंने अपना पासवर्ड ऑलरेडी इस वीडियो से पहले फॉरगेट करके रखा हुआ था तो यहां पे मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। देन हमें क्लिक करना है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे, तो हम यहां पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे यहां पे हमें डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आप लोग वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने यहां पे वीडियो छोड़ दी जल्दीबाजी में तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि ये ऑप्शन आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जैसे ही आप डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे लोगों को शो होना अभी से बंद हो जाएगा, लेकिन इंस्टाग्राम 30 दिन तक आपका डेटा संभाल कर रखता है। इसके बीच में आपको लगता है कि आपने गलती कर दी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करके, तो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। रीएक्टिवेट वाली वीडियो भी एंड स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाए तो 30 दिन तक लॉगिन मत करना। और यहां पे आपको डेट भी दी होती है कि पूरी तरीके से कब डिलीट होगा। ये देखो यहां पे अगस्त 16 को मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा और मैं उसको कभी रिकवर नहीं कर पाऊंगा, यहां पे साफ लिखा हुआ है। तो हमें तो भाई परमानेंटली डिलीट करना है, इसलिए हम यहां पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो 1% भी यूजफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू या थैंक्स जरूर से लिख देना, क्योंकि आपके कमेंट से ही नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए।